तो आ गए आप लोग, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो जिसके ऊपर होने वाली है, चलिए उससे मिलाते हैं आपको। देख लो, आए हाय, नजर ना लगे तुझे। कंट्रोल कंट्रोल। आज इसी की बजाने वाले हैं और इसकी मदरसा छाप बुद्धि का पोस्टमार्टम करेंगे। उससे पहले यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अज़ुमर में, सूरह नंबर 39 आयत नंबर 5 में, कि अल्लाह सुबहाना व ताला रात को दिन पे लपेटता है और दिन को रात पे लपेटता है। कोई सेंस है इस बात की? दिन को रात में लपेटता है और रात को दिन पे। ओ बैल बुद्धि, वो दिन रात है, जलेबी नहीं, समझा? चुतिया साला कुछ भी बोलता है, मक्कल नाम की चीज नहीं, गांडू लोग तुम लोग। इज अल्कोहल वेज और नॉन वेज ब्रदर? अल्कोहल इज वेज और नॉन वेज? वेज। पार्डन, अल्कोहल इज वेज और नॉन वेज? ये क्या है? यही नहीं, अभी और सुनिए। अल्कोहल इज वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड? Veg food. The maximum death in the world by any food, it is by vegetarian food, alcohol. Number two death, maximum, is because of smoking. Smoking, tobacco, veg or non-veg? Veg, this is the vegetable. Vegetarian, correct. So maximum death that take place in the world is because of alcohol, number one, vegetarian. Tobacco, number two, vegetarian. So there's more problem in vegetarian food in the world than non-veg food. यहाँ पर इस मदरसा छाप ने वेजिटेरियन फूड को गलत बताने के लिए इतना सस्ता लॉजिक दिया है कि क्या ही कहने। मतलब नशीली चीजों की तुलना भोजन से कर दी गई है। अबे इस मदरसा छाप को कोई ये बताओ कि तम्बाकू और शराब ये नशे की चीजें हैं, कोई वेजिटेरियन खाना नहीं है। खैर, मदरसे से पढ़कर बना हुआ डॉक्टर से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। गजब बेइज्जती है। कई हिंदुओं को ये गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है। आप जब हिंदू धर्म की किताब का मुताला करेंगे, उनकी किताब में साफ लिखा है कि आप गोश्त भी खा सकते हैं, बकरी भी खा सकते हैं, गाय भी खा सकते हैं। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। वेद में लिखा है, कई किताबों में लिखा है। जब आप पढ़ेंगे मनुस्मृति अध्याय नंबर 5, उसमें लिखा है, इफ द ईटर ईट द थिंग टू बी ईटन, ही इज नॉट डूइंग अ सिन, बिकॉज गॉड हैज क्रिएटेड सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन। अगर खाने वाला खाने वाली चीज को खाता है तो गुनाह नहीं कर रहा है। अगर इसके कहने पर मान भी ले जाए तो इसने ये नहीं बताया कि मांस खाने के लिए कहां पर लिखा है। ये मदरसा छाप सिर्फ झूठ बोलकर ही अपना धंधा चलाता आ रहा था। अब बात करते हैं मनुस्मृति के उस अध्याय के और श्लोक के बारे में। तो आप अंकुर आर्य का ये वीडियो देखिए जिसमें अंकुर आर्य ने इसके चेलों को बड़ी बुरी तरीके से धुला है। ये देखिए, ना कृत्वा प्राणी नाम हिंसा मांसम उपद्यते क्वचित् न च प्राणी वदः स्वर्गस्य मांसम विवर्जयेत्। अब इसकी हम हिंदी पढ़ लेते हैं। प्राणियों की हिंसा किए बिना कभी मांस प्राप्त नहीं होता, प्राणियों की हिंसा करनी पड़ती है। बात है। हाँ। और जीवों की हत्या करना सुखदायक और मोक्षदायक नहीं है, इस कारण मांस नहीं खाना चाहिए। 5वां अध्याय 10वां। अच्छा। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि हाँ तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।